इंडियन चैनल्स पे हेडलाइंस चल रही हैं। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना जाकिर नाइक की पुरानी आदत है। वाह भाई वाह। उसके बाद इंडियन चैनल्स जो जो खबरें मसाले लगा के चला रहे हैं वो क्या मैं उनको दे रही हूँ? हाँ। जहर उगलने में पीएचडी होल्डर जाकिर नाइक ने अब महिलाओं पर बेहद घटिया टिप्पणी की है। मैं नहीं मानता। जाकिर नाइक ने महिलाओं को बाजारू औरत और प्राइवेट प्रॉपर्टी करार दिया। अल्लाह ला 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 तौबा। घर से निकलते डॉक्टर नाइक जोन साहब बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, पाकिस्तान आ गया वो इसीलिए छोड़ के पाकिस्तान आया। कुछ दूर चलते उसने कहा कि महिलाएं या तो शादीशुदा मर्दों से शादी करें या फिर बाजारू औरत बन जाएं। तो नहीं करना चाहिए, उनको शर्म नहीं आई। ये अगर हम वैसे इंसान होने के नाते ना ये हमारे लिए बहुत गिल्टी बात है, सबसे बड़ी बात ये तो यही है ना। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। जाकिर का जहर उगलना यही बंद नहीं हुआ, हद तो तब हो गई जब उसने महिलाओं को प्राइवेट प्रॉपर्टी करार दे डाला। छोटी छोटी बच्चियां उनकी भी बच्चियां हैं, उनके साथ ऐसा होगा तो वो क्या करेंगे? हाय अल्लाह। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे एड देना हराम है। ओ माय गॉड टू रूल। आपके चैनल पे लड़की आ जाएंगी, हरामी मानुस छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। ये हमारे लिए कतई आश्चर्य की बात नहीं है कि जाकिर नायक जो कि एक भगौड़े हैं, भारतीय कानून से भागे हुए हैं, उनको पाकिस्तान ने अपने से गले लगाया है, स्वागत किया है और उच्च स्तर पे स्वागत किया है। आप हमारे दुश्मनों को शह भी देते हो, आप हमें गालियां भी देते हो और फिर आप हमसे पैसा भी मांगते हो, ये थोड़ा ना होता है। एक इंसान का एक ही बाप होता है, तुम अपने पापा चुन लो बेटा, और अगर भारत को पापा मानते हो फिर बेटे की तरह रहो, आराम से घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जो इंसान अपने आप को कमजोर समझ के इस मुल्क को छोड़ कर जा रहे हैं लेकिन उनको छोड़ कर नहीं जाया। अल्लाह ने इस मुल्क के अंदर हर चीज़ नेमतें रखी है, बेशुमार नेमतें यहाँ मौजूद है, हम इसका इस्तेमाल करें तो अल्लाह ने इस मुल्क के जो खूबसूरती है पूरी दुनिया आप क्या विज़िट कर लें। 157-158 मुल्क है, पाकिस्तान वाद कंट्री है जिसके पास अल्लाह ने इतनी खूबसूरत नेमते, रेगिस्तान, मदनियात। मैं तो कह रहा हूँ भारत को चाहिए और कुछ नहीं, इनकी ट्यूशन ही रख लें यार इनको, ये पाकिस्तानियों को पढ़ाने के को यार, हम तो मैं फ्री मैथ पढ़ा दिया करेंगे, इंग्लिश पढ़ा दिया करेंगे, पैसे भी ना दें। यकीन कर आइडिया बुरा नहीं है। सही पकड़े हैं। आपकी जो आपको पैसा मिलता है यूट्यूब से? बिल्कुल, मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूँ। चल झूठा कंगाल पाकिस्तान छूट नहीं दे पा रहा है और गैरत पर पल रहा जाकिर नाइक ये पैसे भर भी नहीं पा रहा। पाकिस्तानियों का दोगलापन या चिंदी चोरी कह ले, एक तरफ तो जाकिर नाइक का भाई इतना ग्रैंड वेलकम कर रहे थे, कमांडो कोई इसका सर चूम रहा था और इनका पीएम गले मिल रहा था, लेकिन भाई जाकिर नाइक थोड़ा सा वेट ज्यादा ले आया तो इन्होंने कस्टम चार्ज लगा दिया। एक स्टेट गेस्ट और डॉक्टर जाकिर नाइक जैसी शख्सियत पाकिस्तान में आ रही है और उनका प्रोटोकॉल हमारे पास ये है, प्रोटोकॉल ये है कि 300 केजी सिर्फ उनका ज्यादा है और हम ये कह रहे हैं एक स्टेट गेस्ट को, एक रियासती मेहमान को हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे, यानी डील कर रहे हैं, एक बार्गेन कर रहे हैं, एक व्यापारी, एक व्यापारी वहां पर बैठा हुआ है और वो व्यापारी की तरह गुफ्तगू कर रहा है कि 300 केजी आपको आधा 50% डिस्काउंट दूंगा। और ये हरकत एक नाजेबा गिरी हुई घटिया छोटी हरकत एक बड़े आदमी के साथ उन्होंने की है और इस बात पर जाकिर नायक भड़क गया कि अगर मैं इंडिया में जाता तो वहां तो लोग मेरे लगेज उठा ले जाते, इंडिया में तो मेरे फैन है और पाकिस्तानियों को लताड़ा, गाली दी भर भर के। मजा आया। तो भाई मुझे तो लग रहा है ये जाकिर नालायक की कोई चाल है। कैसे? कि भाई हिंदुस्तान को मस्का लगाता हूँ, वो बुला लेंगे मुझे, लेकिन दूसरी तरफ इसी वीडियो में मोदी जी की बुराई कर रहा है। मैं जानता हूँ वैसे है तो मेरे दादाजी की उम्र के, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगी बेटे नाक रगड़ रगड़ के, नाक घिस घिस के मर जाएगा लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पर पैर नहीं रख पाएगा। वाह भाई वाह। और ये सुन के एक पाकिस्तानी को भी गुस्सा आ गया कि हम किस जाहिल मुल्क में रहते हैं और ये किस तरह का एक बिहेवियर, एक रवैया है, ये पाकिस्तान की जो नेशनल स्टेट एयरलाइन है उसका ये रवैया है, यानी अंदाजा लगा लें कि हम कितना ज्यादा डिटेरियोरेट कर गए हैं कि एक रियासती मेहमान को जिसे रियासती तौर पर हम बुला रहे हैं वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि जनाब 300 खाली केजी मेरा वजन ज्यादा था सामान का और उसके ऊपर मुझे कॉल करके कही जा रही है कि आपको डिस्काउंट देंगे, यानी ये भूखे नंगे होने की पहचान है। इट्स वेरी शेमफुल। उन्होंने कहा इंडिया के अंदर मोदी गलत हो सकता है, इंडिया गलत नहीं है, वहां पर 1000-2000 केजी भी हो, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को ये बात करने की जरूरत क्यों पेश? मेरी तो खैर ये समझ से बिल्कुल बाहर है कि ये बात कहने की उन्हें जरूरत क्यों पेश आई कि 300 केजी ज्यादा है और जो कंट्री मैनेजर है वो बात करके डॉक्टर साहब आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूं, 50% डिस्काउंट कर दूंगा, यानी 50% के अंब लेने थे आप। ये मुल्क की बदनामी का बाइस बनता है, लेकिन जाहिर है इस मुल्क के अंदर जो इस वक्त हो रहा है समझ से बाहर है कि ये क्या हो रहा है और कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा,
कौन है जिसने इस मुल्क को बिल्कुल भिखारी की तरह बना दिया और हमारा रवैया भिखारियों वाला हो रहा है, हमारा रवैया लिचड़ों जैसा, चिंदी चोरों जैसा हो रहा है। यानी हम एक रियासती मेहमान को और डॉक्टर जाकिर नायक जैसे मेहमान को हम कह रहे हैं कि 300 केजी के जहां हम तुम्हें ना असल में 45% दे सकते थे लेकिन 50% डिस्काउंट देंगे, सो अगर बार्गेन करें तो 20%। शेमफुल, शेमफुल। डॉक्टर जाकिर नायक ने ठीक कहा कि मैं या तो सारा फ्री ले जाऊंगा नहीं तो शर्मनाक है कि ये कहने की डॉक्टर साहब को जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि तुम भिखारी थे, हो और ता उम्र भिखारी रहोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और तुम्हारे अब्बू डॉक्टर एस जी शंकर आ रहे, उनके सामने कटोरा लेकर खड़े हो जाना और बोलना अब्बू कुछ लाए हो तो दे दो, और ये भी पूछ लेना खेल खिलौने लाए क्या दिवाली के लिए। हाँ, तो ये जाकिर नालायक अपने आप को बोलता है इस्लामिक स्कॉलर, लेकिन एक लड़की ने सवाल पूछा कि पाकिस्तान का जो माशरा है वो तो पूरा इस्लामिक ही है, उसमें जो बच्चे हैं उनके साथ यौन शोषण होता है, लड़कियों के साथ होता है, लड़कियों को सड़क पर छेड़ा जाता है, लड़कियों के पीछे पूरा जाहिलों का झुंड पड़ जाता है, तो ये क्यों हो रहा है? पेडोफिलिया की तरफ उनका इशारा था और उन्होंने सवाल भी कुछ इसी तरह से किया था, जिसके बाद जाकिर नायक ने उनको क्लियरली आंसर नहीं किया, कहा कि अपना सवाल वापस लो, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीजें नामुमकिन है, कॉन्ट्रडिक्शन है आपके सवाल के अंदर ही। और सोशल मीडिया पर ये बोला जा रहा है कि जाकिर नायक ने पश्तून गर्ल की इंसल्ट की है। लेकिन आपकी इस बात से मैं शॉक हूँ कि वो इस बात पे उन्होंने मतलब आंसर नहीं दिया, तो अपना क्वेश्चन वापस लो, तो ये ऐसा हो नहीं, मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बहुत गलत किया मेरी नज़र में, तो ये गलत है। सर अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं कि पाकिस्तान के अंदर जैसे उस बच्ची ने बोला, क्या ऐसी ज्यादतियाँ हो रही हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये तो अब छुपी डुपी जिसको कहते हैं ना वो तो बात नहीं है ना, ये तो हमें इस चीज़ का एक सच्ची और तलख हकीकत है, लेकिन ये इन चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए क्योंकि हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लाम हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, तो बल्कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ये एक तो यही चीज़ है, इसके अलावा और सी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इस्लाम में बिल्कुल जायज़ नहीं, लेकिन उनको बहुत एक प्रॉपर जगह दी जाती है सिस्टम, आप समझ सकती हैं मैं किस बात की निशानदेही करना चाह रहा हूँ। तो हमें इस मुल्क में अगर ख़ास तौर पे ये इस्लामी कानून होना चाहिए, हमारा इस्लाम है, हमें इससे इन चीज़ों पे परहेज करना चाहिए। इस्लाम ने हमें कहा है विमेन की रिस्पेक्ट करो, चाहे हरासा ना उसको करो। देखें यहाँ पर मौलवियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे बच्ची ने सवाल किया, तो हमारे यहाँ बच्चों बच्चियों के साथ ज़्यादती हो क्यों रही है, क्या मसला क्या है हमारी आवाम के साथ? हमारी आवाम जो है देखें रिलीजन का लिबादा ओढ़कर गलत हरकतें क्यों कर रहे हैं, हमारा रिलीजन तो इन सब चीज़ों को नहीं सपोर्ट करता। मैं वही बात आपसे कर रहा हूँ कि हमारे ख़ास तौर पे इस्लाम में तो ये बिल्कुल भी दूर दूर तक ये जायज़ नहीं है, लेकिन ये पता नहीं आजकल, एक तो आप कह सकते हैं कि आजकल इंटरनेट का दौर है, सीधी सी बात है, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनके हाथ में ये मोबाइल आ चुके हैं, सिस्टम आ चुका है, तो ये चीज़ मेरे ख्याल में अभी अगर आप मुझसे एक पूरी सारा बायोडाटा लेंगे ना, उसका एक मैं आंसर यही दूँगा कि मोबाइल और इंटरनेट ये एक ऐसी चीज़ आ चुकी है कि जज्बात जिसको कहते हैं वो बाहर ना, मदरसों के अंदर तो कारी साहब कहते हैं कि मोबाइल ना लेकर आओ, मदरसों में आप कह सकते हैं, वहाँ ये पिछले दिनों में भी कुछ ऐसा मामला हुए थे, तो ये ख़ास तौर पे ये बच्चों के साथ ये बहुत ही मेरी बहुत ऑकवर्ड सी बात है, ये बंदा करते हुए बहुत शर्म सी आती है। तो ये था आज का वीडियो, ये कौम कभी नहीं सुधर सकती, ये जाहिल थे, जाहिल हैं और जाहिल ही रहेंगे, जाहिल ही मर जाएंगे, कब्र में भी ये जहालत ही फैलाते रहेंगे। आपके क्या थॉट्स हैं इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना, लव यू माय किटकैट्स, यो यो किट्टू भाई, यो यो किट्टू भाई।